कांग्रेस पार्टी के समय में भर्ती किया गया था और मझधार छोड़ करके चले गए थे। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। हमने पीटी अध्यापकों की, पैट की, पैरा की पूरी वकालत की कैबिनेट के अंदर भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बनाया कि ये बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, इनको कम से कम पूरा वेतन इनको मिलना चाहिए, जबकि इनके खिलाफ जो था वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आई थी। बावजूद इसके उनको उनकी जो मदद हो सकती थी हमने मदद की। मदद हमने इसलिए की क्योंकि हमारे स्कूल जितने भी पद हैं वो सारे के सारे पद अगर भरे जाएंगे तो अच्छी शिक्षा जो है वहाँ से हमारे बच्चे जो है ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा जो बंजार में वहां पर जब हमें पौड़ियां चढ़ रहे थे तो वैसे ही लोगों ने मजाक में कहा कि जी इस कोरोना में बहुत काम किया सबने। हमने कहा ठीक है किया। तो जब मैं बोल रहा था तो उस वक्त भी मजाकिया तौर पे, क्योंकि जब कभी भी कोई भी मजाक में बात की जाती है वो अपनों से की जाती है, वो प्रायों के साथ में की जाती है। अध्यापकों को हम अपना आदमी अपना समझते हैं। अगर मेरी बात को उन्होंने अन्यथा लिया है जो कि मेरी भावना है, दुर्भावना नहीं थी, उन्होंने अन्यथा लिया हो जो मैंने शब्द कहे मैं उसे उनको वापस लेता हूँ। ऐसी कोई दुर्भावना मेरी नहीं थी कि मैं किसी वर्ग को किसी व्यक्ति विशेष को जो है किसी प्रकार की आहत पहुंचाऊं। सर मंडी चुनाव आ रहे हैं और उपचुनाव को लेकर आपको प्रभारी नियुक्त किया गया है, लेकिन आपके दौरों को देख के और जो पार्टी के भीतर जो अटकलें हैं वो कुछ और तरह की, आप भी कैंडिडेट हो सकते हैं, तो ओवरऑल अभी तक क्या स्थिति है? प्रत्याशी कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का? आज तक मैं जितनी बार भी जहां जहां का भी प्रभारी रहा, मुख्यतः रेणुका का उपचुनाव हुआ था प्रभारी में था, मैंने तो हृदय राम जी को उस दिन देखा जब चुनाव वोट पड़ने के लिए मात्र 3 दिन बचे हुए थे, मैं तो जानता था उनको। मुझे प्रभारी इसका पछाड़ का लगाया गया, पछाड़ में भी जिस बेटी को पार्टी ने टिकट दिया ना तो मुझे पूछा, ना तो हमने ऐसी छजा रखी कि मेरे को पूछ करके जो है वो किसी को पार्टी प्रत्याशी बनाए। ये हमारे राष्ट्रीय संगठन का काम है, हमारे प्रदेश के संगठन का काम है, किसको उन्होंने प्रभारी बनाना है, किसको सियासी बात ना है उनको भी जीतना है। और साथ में मंडी संसदीय क्षेत्र का भी एक बहुत बढ़िया तरह से भारतीय जनता पार्टी देगी। सर कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश रैलियां कर रही है, जिले वाइज रैलियां हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि और आरोप लगा रही है महंगाई को लेकर बातें कही जा रही है उसने, और ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार से मोह भंग हो चुका है जनता का? एक सेब कार्टन का इशू भी है सर, क्योंकि कह रहे हैं कि आपने कहा था कि इस बार रेट नहीं बढ़ेंगे लेकिन रेट बढ़ गए सेब कार्टन। महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो हालात कोरोना के विश्व को, राष्ट्र को और प्रदेश को एक नई आफत के रूप में झेलने पड़ रहे हैं, ये अनुभव तो आज से पहले किसी भी सरकार का नहीं रहा है। ये पहली बार है कि ऐसी वैश्विक महामारी जो है इस संसार के बीच में आई है, उससे वैश्विक तौर पे ही जो है वो सभी देशों की जो आर्थिकी है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। उसकी दृष्टिगत तेल कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में ही डीजल पेट्रोल और गैस तो निकलती है, लेकिन बाकी तो बहुत तेल जो हमें आयात करना पड़ता है, इस करके हमें बाहर के देशों पर निर्भर करना पड़ता है। इसमें श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने फैसला लिया हुआ है, इसको बिल्कुल खुलेपन में छोड़ दिया है। महंगाई के ऊपर जहां कांग्रेस पार्टी बात करती है, इसके अलावा अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2019 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 68 में से एक भी सीट पे उनको बढ़तरी मिली। अब उसके बाद दो उपचुनाव हुए, चाहे वो पछाड़ का था, चाहे धर्मशाला का था, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो अब कांग्रेस पार्टी इस अवस्था में कि वो हाथ पैर मार रही है, इस करके अब उनके हाथ पैर मारने से नहीं, क्योंकि जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार
आदरणीय ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में विकास के हुए हैं वो सराहनीय है। बावजूद इसके कि आर्थिक तंगी चली हुई है, लेकिन आर्थिक तंगी के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छी तरीके से जो है हर विकास कार्य को की योजनाओं को आगे बढ़ाया। सर, आपके बयान के बाद, क्योंकि कई शिक्षक संघ धरने कर रहे हैं, धरने की बात कह रहे हैं, आज कुछ लोग महात्मा गांधी जी की मूर्ति के पास रिज मैदान में बैठे हैं, आप उनसे अपील करेंगे कि वो ऐसा करने की जरूरत नहीं? कांग्रेस की से मुद्दा बनाने की कांग्रेस के बारे में और क्या, कांग्रेस के बाद क्या पास तो है कुछ नहीं, अब कांग्रेस तो अब चटपटा रही है। ये हमने मजाकीय तौर पे कहा, जैसे मैंने कहा है ये कोई किसी, मैंने कहा है कि किसी को हाथ की वजह से नहीं कहा है, मजाकीय तौर पे कहा। वो लोग हमारे, हम उनके हैं, शिक्षक हमारे इस राष्ट्र की, देश की, किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी है। तो जो मजाकीय तौर पे मैंने बात कही, मैं उस शब्दों को पूछ ले रहा हूँ। इस तरह बागवानी को लेकर जुबल को उठाई के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने भी आरोप लगाया है कि बागवानी को लेकर हमारे बागवानी मंत्री बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और कार्टन के जो रेट है उसको लेकर भी अभी संचय बरकरार। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब उनकी सरकार हुआ करती थी तो क्या कार्टन जो है एक विभागीय तौर पे करे करके किसानों को दिए जाते थे? ये सारे के सारा जो भी व्यवस्था है वो किसान अपने तौर पे करता है। मेरे निदेशक उद्यान ने और एमडी एचपीएमसी ने इस पे सभी जितने भी कार्टन बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनके साथ चर्चा की है, उनको जितना मिनिमाइज कर सकते थे हमने मिनिमाइज करने की कोशिश की है। अब ऐसा तो है कि हमारी सरकार की जो कंपनी है और सरकार की कंपनी का कार्टन बना रही है या तो प्राइवेट ही सारे, इस करके जो हम कर सकते थे हमने बराबर कोशिश की है उसको पूरा करने की। थैंक यू सर।